general abbreviation which is the topic of general knowledge. First one is the AFMC. AFMC is the stand for Armed Force Medical College. AFMC. Armed Force Medical College. It is an intergovernmental organization and it provides different facilities like economic facilities, social facilities, socio-cultural facilities, educational facilities and military facilities. Next one is the BPO. Second one is the BPO. BPO is a stand for business process outsourcing. Business है mostly हम लोगों ने word सुना है कि business है वो क्या है कि कोई भी दो person है वो कोई एक जगह पर मिलते हैं और दोनों कोई ना कोई चीज का exchange करते हैं, मतलब कि एक buyer होता है और एक seller होता है. जो buyer है वो क्या करता है, पैसे pay करता है कोई भी चीज को खरीदने के लिए और जो seller है वो क्या करेगा, पैसे लेगा और उसके पास जो चीज है वो उसे sell करेगा. तो BPO में क्या आएगा कि BPO एक बिजनेस प्रोसेस है, क्योंकि बिजनेस प्रोसेस है उस जो भी कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल है उसमें से प्रोसेस होती है और फाइनल प्रोडक्ट बनती है और वो प्रोडक्ट है वो बिजनेस के थ्रू कि वो सेलिंग होता है कहाँ पे, मार्केट में. तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग उसमें जो रिसोर्सेज इंक्लूड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स है और कस्टमर कॉल सेंटर है और कस्टमर है वो मेनली हम ऐसा बोलते हैं कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कि मार्केट में कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट है वो क्या करते हैं, सेल करते हैं. कि बीपीओ में है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोसेस होते हैं उसके बाद उसे फाइनली जो मार्केट में हम लोग क्या करते हैं उसे सेल करने के लिए मार्केट में होते हैं. तो बीपीओ मतलब कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. देन आफ्टर नंबर द कैट. कैट इज अ स्टैंड फॉर कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट. फोर्थ वन इज अ कैट. कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट. इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट and which is taken for admission of graduate management programs like management administration. मतलब कि कोई भी masters post graduate के लिए अगर आपको कोई post graduate करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो CAT है वो clear करनी पड़ेगी. CAT for example MBA. MBA अगर आपको करना है तो आपको उसके लिए career aptitude test है वो आपको देनी पड़ेगी. ये CAT is include reasoning ability और English grammar, ये सब उसके रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछे थे. नेक्स्ट वन इज द नंबर फाइव CBSE. नंबर फाइव CBSE. CBSE इज अ स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. सेंट्रल बोर्ड Education. It is the national level board of education in India for public.
पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल की पब्लिक और जो प्राइवेट स्कूल है उसके लिए ये कि जो एक सेकेंडरी एक बोर्ड है कि जैसे कि सीबीएसई है एनसीईआरटी है वैसे एक बोर्ड है कि सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की सेकेंड एजुकेशन के लिए एक बोर्ड है जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए है। उसके बाद है नंबर 6 बेल BHEL मतलब कि उसका फुल फॉर्म क्या है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। नंबर 6 बेल BHEL हेल इज स्टैंड फॉर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल है जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और इट इज अ ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरर कंपनी इन इंडिया की। ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट मतलब कि पुरानी और बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इट इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ पावर प्लांट इक्विपमेंट एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 कि ये जो बेल है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो क्या करता है प्रोड्यूस। नेक्स्ट वन इज अ ESA सेवंथ वन इज अ ESA ESA इज अ स्टैंड फॉर यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये ESA है जो एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो तो हमें पता ही है कि स्पेस एजेंसी है तो वो स्पेस के रिलेटेड वो क्या करती है वर्क करती है। इट इज अ 22 मेंबर स्टेट एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस की इसके जो ESA है वो उसमें 22 स्टेट्स है अलग अलग 22 स्टेट्स है वो मेंबर है वो उसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस में। नंबर 8 नेक्स्ट वन इज नंबर 8 GRE इज स्टैंड फॉर ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। इट इज अ पॉपुलर एग्जाम फॉर ग्रेजुएट एप्लीकेशन सीकिंग ए मास्टर और डॉक्टर डिग्री मतलब कि अगर ये एक एग्जाम है जो पॉपुलरली सब लोग जानते हैं कि अगर कोई पर्सन है उसे मास्टर लेवल तक अगर उसे स्टडीज करना है और वो मास्टर मतलब कि जो डॉक्टर डिग्री है या तो MS है PhD है वैसी डिग्री अगर उसे वो टाइप की डिग्री करनी है तो उसे उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि ये एग्जामिनेशन है ऊपर कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन कि इसमें ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन में ये मास्टर के लिए ये जो एग्जाम मांगनी चाहती है। उसके बाद है नंबर 9 ECG ECG इज अ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नंबर 9 ECG इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इट इज अ मेजर द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ अवर हार्ट टू शो इट इज अ वर्किंग नॉर्मली और नॉट मतलब कि हम लोग हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो हमारी हार्ट बीट को क्या करता है मेजर करता है कि जो हमारे हार्ट बीट है वो नॉर्मली चल रहे हैं कि नहीं तो हम उससे क्या करेंगे कि हार्ट बीट है वो हमारे हम इसे मेजर करें। नेक्स्ट वन इज टेंथ वन इज ICSE टेंथ वन इज ICSE इज स्टैंड फॉर इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंडियन सर्टिफिकेट
सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे कि हमने आगे अभी हमने कैसे सीबीएसई का देखा, वैसे ही एक सेंट्रल लेवल की एक सिस्टम है कि आईसीएसई इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद ये है जो नॉन गवर्नमेंट बोर्ड, ये नॉन गवर्नमेंट मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में, ये कोई भी स्कूल पब्लिक स्कूल है वो, कोई भी पब्लिक या तो प्राइवेट स्कूल वाले है वो, ये बोर्ड है वो, मतलब कि ये बोर्ड में जो भी बच्चे मतलब कि जैसे कि सीबीएसई है, जीएसई भी है, वैसे एक आईसीएसई बोर्ड है जो सेंट्रल लेवल करता है। उसके बाद नंबर 11 एम एंड सी, 11 नंबर एम एंड सी मतलब एम एंड सी स्टैंड फॉर मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मतलब कि कोई भी कंपनी, देखो कोई कंपनी है वो लोकल ही होती, कोई कंपनी है वो नेशनल ही होती, कोई कंपनी से वो इंटरनेशनल होती। लोकली मतलब कि कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है कि फॉर एग्जांपल कोई एक ग्रुप उद्योग हम बोलते हैं कि जो कोई एक स्टेट या तो कोई एक पर्टिकुलरली सिटी, सिटी वन सिटी और दूसरे साइड के आजू बाजू के एरिया में वो क्या करेगी अपने प्रोडक्ट से वो सेल करेगी। उसके बाद आया लोकल, के बाद आया नेशनल। नेशनल मतलब कि नेशनल लेवल में क्या आएगा कि कोई भी कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट है वो नेशनल लेवल तक मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक वो क्या करेगा अपने प्रोडक्ट से वो सेल करेगा। और थर्ड वन है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में क्या आएगा कि इंटरनेशनल कंपनी है वो अपनी जो भी प्रोडक्ट्स है वो इंटरनेशनली सेलिंग करेगी, मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन है इंटरनेशनली भी वो कर सकते हैं, मतलब कि वन कंट्री टू अनदर कंट्री, कि एक कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट करेंगे वो इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन करेंगे और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। नंबर 12 ONGC, नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इज अ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी विच इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ which is the largest producer of oil and natural gas of natural gas in India, कि इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाली कंपनी कौन सी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की ONGC। उसके बाद है लास्ट वन WTO, वर्ल्ड WTO इज अ स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि उसमें टोटल वर्ल्ड मतलब कि हमने अभी बोला कि इंटरनेशनल ये लोग क्या करते हैं ट्रेड मतलब कि व्यापार करते हैं, कि इंटरनेशनली जो ट्रांजेक्शन है वो वर्ल्ड लेवल तक वो करते हैं, कि WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अनदर टॉपिक इज अ नो योर गुड, नो योर गुड, इन दैट वी लर्न डिफरेंट ब्लैंक्स रिलेटेड टू अवर बॉडी। फर्स्ट वन इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है उसका लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल, जो बॉडी का नर्व सेल है सबसे लार्जेस्ट सेल है। सेकेंड वन लैक ऑफ विटामिन ए, और भी अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए नहीं है तो क्या उसका हमें क्या उसे अफेक्ट पड़ेगा, कि लैक ऑफ विटामिन ए कॉज दिस नाइट ब्लाइंडनेस। नंबर 3 द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, कि हमारा जो ब्लड है वो मोस्टली आपको पता ही है कि हमारा ब्लड का कलर है वो रेड, लेकिन वो क्यों है कि अवर द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड है उसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, उसकी वजह से हमारा ब्लड है वो कैसा दिखता है रेड कलर। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट कलेक्ट एंड पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, कि
हमारा जो पार्ट ह्यूमन बॉडी है वो क्या करता है, उसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जो पंप की वो ब्लड है वो क्या करता है, पंप करता है अराउंड द बॉडी। तो आंसर इज अ हार्ट, मतलब की द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट कलेक्ट ए पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी। कि जो हार्ट है वो क्या करता है, हमारा हार्ट है वो हमारी बॉडी का सबसे, हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिना हार्ट के हम लोग ज्यादा देर तक मतलब कि जी नहीं सकते। कि अगर हमारा हार्ट है प्रॉपरली वर्क करेगा तो हमारा जो बॉडी के अराउंड जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा अच्छे से होगा। नेक्स्ट वन इज हाउ मच ब्लड डज एन एवरेज मैन हैव, जो एवरेज मैन की बॉडी है उसमें कितना ब्लड होता है, तो अराउंड हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 लीटर तक हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड है वो होता है। उसके बाद 6th one, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, फेमुर की, फेमुर मतलब कौन सा बोन की जो हमारा थाई, थाई वाला जो बोन है वो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। लास्ट वन एंड 7th one इज द पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्ट व्हेन वन सफर फ्रॉम जॉन्डिस, कि अगर कौन से कोई भी एक पर्सन है उसे अगर जॉइंटिस हुआ तो वो जॉइंटिस की वजह से उसे कौन से बॉडी के